कांग्रेस के कृषि कानून के विरोध में संसद परिसर में प्रदर्शन भी हुआ। राहुल गांधी भी प्रदर्शन में शामिल हुए। सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, राहुल गांधी अपने तमाम नेताओं के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए। किसान विरोधी कानूनों को निरस्त करने की मांग की और कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। आप देख सकते हैं महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने सदन परिसर में किस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया। राहुल गांधी खुद इसकी अगुवाई कर रहे थे। आपको बता दें, इस बीच 19 दिनों तक चलने वाली संसद जो है, किसान संसद जो है, वो भी शुरू हो गई। जंतर मंतर पर किसानों को सशर्त कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अनुमति मिली है दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की। और इस सब के बीच में मानसून सत्र में किसान बिल जो है, वो कृषि कानून जो है, वो भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर किसान तो जो है वो धरने पर एक लंबे अरसे से बैठे हुए हैं। साल भर से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुद्दा जो है राजनीतिक भी है। अकाली पहले ही इस मुद्दे पर साथ छोड़ चुके हैं, सरकार का एनडीए से अलग हो चुके हैं और पंजाब में चुनाव है। ऐसे में ये मुद्दा कांग्रेस के लिए भी बेहद अहम हो जाता है। और आपको अपडेट दे दें कि राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित हो गई है। पेगासस जासूसी मामले पर सदन के भीतर वो हंगामा हो रहा था। अश्विनी वैष्णव जब बयान दे रहे थे, उसके बावजूद भी हंगामा जारी रहा, तो सभापति ने राज्यसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया है। अश्विनी वैष्णव के बयान के दौरान हंगामा हुआ। जैसे ही वो सदन पटल पर अपना पक्ष रखने के लिए, सरकार का पक्ष रखने के लिए खड़े हुए, उन्होंने बोलना शुरू किया, लेकिन हंगामा जब रुका नहीं, सभापति ने राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी है। मोहित हमारे साथ और ज्यादा अपडेट के साथ मौजूद है। मोहित, जी बिल्कुल। देखिए, राज्यसभा में हंगामा तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार चल रहा था। सुबह से भी, सुबह सबसे पहले हंगामा हुआ, उसके बाद राज्यसभा को स्थगित किया गया था 12 बजे तक के लिए। उसके बाद फिर से जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो हंगामा फिर से शुरू हो गया। लगातार विपक्षी दलों ने संसद के भीतर भी, संसद के बाहर भी हंगामा करना शुरू कर दिया। कोई भी विधायी कार्य अब तक नहीं हो पाया है। लिहाजा अब देखने वाली बात यही होगी कि सरकार किस तरीके से फ्लोर मैनेजमेंट करती है। आपको भी बताते चले कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने सांसदों के साथ संसद परिषद में जो है प्रदर्शन किया था तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ। और लगातार कांग्रेस की मांग रही है सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी कि जल्दी से जल्दी सरकार जो है तीनों जो कानून है उसको वापस ले, फिर उसके बाद बातचीत किसानों से करें। लेकिन दूसरी ओर पिनाक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ओर संसद चल रही है, संसद में हंगामा बरपा हुआ, तो दूसरी ओर जंतर मंतर पर किसानों ने किसान संसद बुलाई हुई है। बाकायदा यहाँ पे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सांसद यहाँ पे बनाए गए हैं और वो बहस कर रहे हैं तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ और देश की मौजूदा जो स्थितियां हैं उनके ऊपर। तो देखने वाली बात यही होगी कि कृषि कानून पर बीच का रास्ता क्या निकलता है, क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि आइए बैठिए, बातचीत के माध्यम से समाधान निकालिए, लेकिन किसानों का यह कहना है कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होते तब तक बातचीत का कोई मतलब नहीं है। जी पिनाक, बिल्कुल। तो किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इस बीच सदन के भीतर विपक्ष जो है इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। और जासूसी कांड का मुद्दा अलहदा है, पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम है। तो अभी तक मानसून सत्र में अगर कहें कार्रवाई के नाम पर सिर्फ हो हंगामा ही हुआ है। राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और यहाँ पर मोहित बता रहे हैं कि जंतर मंतर पर किस तरह से हमारे जो किसान हैं वो अपनी एक अलग संसद जो है लगा रहे हैं। 19 दिन तक ये संसद जो है वो चलेगी, सशर्त उन्हें जंतर मंतर पर इसकी अनुमति मिली है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही राज्यसभा में सदन के पटल पर आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जो हैं वो जासूसी कांड पर सरकार का पक्ष रखने के लिए खड़े हुए, उन्होंने बोलना शुरू किया। हो हंगामा इतना हुआ कि बयान के दौरान ही, जब लगा कि हंगामा नहीं थम रहा है, तो सभापति ने सदन की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित हुई है। राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ है। जासूसी कांड पर बयान दे रहे थे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब हंगामा नहीं थमा समझाने बुझाने के बाद, तो कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस बीच मोहित हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं कि किसान जो है वो लामबंद है और किसान अपनी एक अलग संसद जो है लगा रहे हैं। मोहित,